आज हम आपके लिए आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज केमिकल रिएक्शन। बट इतना लंबा बोलना थोड़ा टफ पड़ता है, आसानी से समझने के लिए इस चीज को हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा कि मैग्नीशियम जल रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम को लिखा एमजी, कौन जल रहा है वो किसकी प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या हो रहा है, जल रहा है हीटिंग, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आया, केमिकल रिएक्शन ये है कि मैग्नीशियम जल रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसी चीज को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। द रिजल्ट कम आउट फ्रॉम दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो कह सकते हैं प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन के बारे में कह सकते हैं कैसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। अगर हम बात करें ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस, लेकिन ये MgO क्या है, सॉलिड। तो यहां पर ये गैस था लेकिन अब ये क्या बन गया, सॉलिड। तो कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल जाता है उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब केमिकल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल इक्वेशन के टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका दूसरा नाम भी है बेटा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो इक्वेशन बैलेंस होती है उनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और जो इक्वेशन अनबैलेंस होती है जिनमें एटम्स बराबर नहीं होते रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उनको अनबैलेंस कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं बैलेंस का, Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2। यहां देखा जिंक कितना है 1, ये जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। तो ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। बेटा जब एटम जो है, ये एटम जिंक का एटम इधर भी वन है इधर भी वन है, तो एटम जब रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के
इक्वल होते हैं तो उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कोई भी मास ना पैदा किया जा सकता है ना बर्बाद किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जितना जिंक इधर होगा उतना ही जिंक इधर होना चाहिए और इसमें है भी, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, जितना रिएक्टेंट साइड में एटम्स होंगे उतना प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस, और उसको आसानी से हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो पहले देखते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन का किस तरीके से एग्जाम्पल होता है। एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा 2, यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, अनबैलेंस। ठीक है, इसी को हम बैलेंस करना नेक्स्ट अपनी वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम इक्वेशन को जो अनबैलेंस होती हैं उनको बैलेंस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकम वाटर। ठीक, अब यहां देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो बराबर है, हाइड्रोजन के इधर भी एटम कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं एटम 2, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये अनइक्वल है। ठीक है, इसी चीज को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने से पहले हमें ये इन सारी जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रैकेट में बंद करना होगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर फॉर्मूलाज। ठीक है, अब अगर हमें बैलेंस करना है या तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन एक कम है, यहां 2 है, यहां एक कम है, तो क्या करें, 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई 2 का। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 2 = 4। ठीक है, अब यहां ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, तो दिस इज अनबैलेंस। इसको भी बैलेंस करने के लिए यहां 2 है, यहां 4 है, तो यहां पर कितना करना पड़ेगा 4। ठीक है, तो कितने का मल्टीप्लाई 2 का, तो यहां कितना हो गया 4, देन हम कह सकते हैं हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एस टू प्लस सी एल टू एरो एस सी एल। ठीक, यहां हाइड्रोजन कितना है बेटा 2, क्लोरिन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन यहां 2 या हाइड्रोजन 1, यहां क्लोरीन 2 या क्लोरीन 1, मतलब यहां 2-2 है, यहां 1-1 है, मतलब यहां कितने हो जाए बेटा 2, तो क्या करें, पहले तो ब्रैकेट में बंद करें सबको। ठीक है, पैक ब्रैकेट में बंद कर लिया, यहां 2 है हाइड्रोजन, यहां कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो अब यहां हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, और इस तरीके से ये इक्वेशन दोनों ही क्या होगी बैलेंस। तो इस तरीके से इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, टाइप सेकंड में क्या है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है कि बैलेंस किस तरीके से करना है। इसका एक रूल है, एक लॉ है, एक नियम है, जिसमें हमें क्या करना है कि जो भी ऑड नंबर है उसको सबसे पहले इवन बनाना है। यहां देखो ऑड नंबर क्या है, ये ऑड नंबर है, इसको इवन बनाना है और छोटे से मल्टीप्लाई करना है ताकि इवन बन जाए, और सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं इधर कौन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन। ठीक है, कितना है नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है 3, कॉपर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कॉपर कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। कुछ भी नहीं देखना, केवल ये देखना है कि ऑड कहाँ है, ऑड को क्या करना है इवन करना है। ठीक है, अब यहाँ ऑड है ये 3, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, जो हम करते हैं, ब्रैकेट लगाया हमने। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद हमें केवल फर्स्ट सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ ऑड है, उसको इवन बनाएं, तो ये ऑड है, इसको हम क्या करते हैं इवन बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और कुछ नहीं बदला। ठीक है, यहां हाइड्रोजन 6, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1,
कॉपर यहां भी वन है, ठीक है, तो बराबर है ये। ऑक्सीजन यहां भी वन है, बराबर है। नाइट्रोजन यहां दो है, यहां भी नाइट्रोजन दो है, लेकिन हाइड्रोजन यहां कितना है सिक्स और यहां हाइड्रोजन कितना है दो। तो दो को हाइड्रोजन को सिक्स करने के लिए यहां कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री का। तो यहां हाइड्रोजन को थ्री का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हो गया बेटा सिक्स, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी तो बढ़ गया, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, थ्री का, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए थ्री, ठीक है। अब नाइट्रोजन दो, ठीक, ये बराबर है, हाइड्रोजन सिक्स ये भी बराबर है, कॉपर वन ये भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहां थ्री है, यहां कितना है वन। तो ऑक्सीजन को थ्री करने के लिए यहां पर थ्री का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया थ्री, ठीक है। लेकिन कॉपर कितना हो गया थ्री, ये ऑक्सीजन भी थ्री हो गया, ये भी बराबर हो गया, लेकिन कॉपर बदल गया, कॉपर कितना हो गया थ्री, ठीक है। ये कॉपर थ्री हो गया लेकिन यहां कॉपर कितना है वन, तो यहां पर थ्री करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें थ्री का, और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कहां ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, इसमें देखा ये ऑड नंबर इवन, ये ऑड नंबर और इवन, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, इसको क्या करते हैं इवन बनाते हैं। ये थ्री है, इसमें क्या करें कि ये इवन बन जाए, पहले ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये इवन बन जाए, तो टू का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का टू का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये लिख लो कि एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन सोडियम, ठीक है, और हाइड्रोजन, इतने लोग हैं ये, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना है दो, सल्फर कितना है वन का, सल्फर एक है ना ये, और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया थ्री, ऑक्सीजन फोर है, फोर का थ्री से तो ट्वेल्व, और यहां सोडियम कितने हैं सिक्स, यहां यहां सिक्स कैसे आ गए सिक्स, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहां सिक्स है, सिक्स ऑक्सीजन है, और ये ट्वेल्व, तो कितना हो गया बेटा ऑक्सीजन एटीन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है वन, और वन ही है, ठीक है। यहां देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है टू, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम टू, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम टू है, ऑक्सीजन छोड़ो पहले ये लिख लेते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सोडियम सल्फर, ठीक, टोटल करो, एल्यूमिनियम कितना है दो, ऑक्सीजन थ्री, और टू जा सिक्स, ऑक्सीजन सिक्स हो गया, थ्री यहां है, और टोटल पर मल्टीप्लाई टू का है तो थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहां भी है फोर, तो कितने हो गए ऑक्सीजन टेन, हाइड्रोजन सिक्स, एंड सोडियम कितने बेटा यहाँ दो, सल्फर कितना है वन, ठीक है। अब यहां देखो एल्यूमिनियम बराबर है, ठीक, सल्फर कितना है तीन, यहां एक है सल्फर, ठीक है, यहां तीन है, ऑक्सीजन कितना है एटीन, यहां ऑक्सीजन कितना है एट, ठीक है, और यहां सोडियम कितना है सिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं सल्फर बराबर, यहां थ्री है और यहां कितना है वन, तो थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो थ्री से मल्टीप्लाई करने पर ये सोडियम कितना हो गया सिक्स, सल्फर कितना हो गया थ्री, ऑक्सीजन कितना हो गया ट्वेल्व, ऑक्सीजन यहाँ ट्वेल्व और यहाँ कितना सिक्स, तो ऑक्सीजन कितना हो गया एटीन, ठीक है। आई थिंक सब बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम टू, सल्फर थ्री, ऑक्सीजन एटीन, सल्फर सोडियम सिक्स, और हाइड्रोजन वन, और ये सिक्स है, हाइड्रोजन भी सिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गया। तीसरे में भी यही करना है, देखना है कि ऑड नंबर कहाँ है सबसे पहले, ठीक है, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके बाद ऑड नंबर को देखेंगे कि ऑड नंबर कहाँ है, ठीक है। ये ऑड नंबर इवन इवन इवन, ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, इसको क्या करेंगे इवन, इवन कैसे होगा ये टू से मल्टीप्लाई करने पर, पहले देख लो सारा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, हाइड्रोजन कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारा लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ टू, और टू फोर, नाइट्रोजन कितना हो गया टू, ऑक्सीजन कितना हो गया टू और सिक्स एट, कैल्शियम कितना है वन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, इधर भी देखते हैं कैल्शियम कितना है वन, नाइट्रोजन कितना है टू, ऑक्सीजन कितना है सिक्स और वन सेवन, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है टू, ठीक। अब ये देखते हैं क्या अनबैलेंस है, कैल्शियम वन वन कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन टू कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन फोर, यहाँ हाइड्रोजन कितना है टू, तो फोर करने के लिए इस हाइड्रोजन को
कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, कितने का, 2 का, 2 का, तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन, 4, और हाइड्रोजन इधर भी कितने हैं, 4, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 6, और ये 2 कितने हो गए, 8, और इधर भी कितने, 8, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस 4, नाइट्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 8, कैल्शियम भी 1, मतलब ये भी क्या होगी, बैलेंस। इस तरीके से टाइप सेकेंड में हम क्या करते हैं, ऑड को क्या बनाते हैं, इवन, ठीक है, ये रूल है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, करते हैं इसको बहुत जल्दी में, मोर फास्ट और डायरेक्ट मेथड से करते हैं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि हम सीख चुके हैं ना, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ क्या कर दिया, 4 कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो गई, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इट इज बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से करते हैं डायरेक्ट, आयरन कितना है, 1, यहाँ आयरन कितने, 3, ये 3 है, इसको क्या करना है, इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, कितना आयरन हो गया, 6, 6 कर दिया, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 8, 4 टू द 8, तो इसको भी ऑक्सीजन को 8 बनाना, तो इस तरीके से 8 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 16, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ये भी क्या था, 16, बैलेंस हो गया। इसी तरीके से इसको मैग्नीशियम 1, 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, अगर हम इसमें 1/2 हाफ का डिवाइड कर देते तो कितना बजाय गई, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर 1, मैग्नीशियम कितना 1, मतलब हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करके करें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना, 1, तो इसको 1 करने के लिए 1/2 का डिवाइड दे सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 2, या ऑक्सीजन कितना, 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ कितना है, 2, तो 4 हो गया। इस तरीके से हम सारे कर सकते हैं, ठीक है, ये तो रही बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये हमारा इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। हम जान चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अब हम ये समझेंगे केमिकल रिएक्शन पता कैसे लगेगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स होती होंगी जिनसे हमें ये पता लगता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है, अगर कहीं भी गैस निकल रही है तो वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं भी प्रेसिपिटेशन बन रहा है, कोई भी सॉल्युबल सॉलिड बन रहा है तो वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं स्टेट चेंज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इन्हीं सारे करेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली करेक्टरिस्टिक्स को, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये मतलब करेक्टरिस्टिक्स ये है कि कहीं भी अगर गैस पैदा हो रही है तो वहां क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल है जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 हीट एक्सचेंज। जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जो सब्सटेंस बनता है वो जिंक सल्फेट और कौन सी गैस इवॉल्यूट होती है, हाइड्रोजन। तो यहां पर कौन सी गैस इवॉल्यूट हो रही है, हाइड्रोजन। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन वी कैन आइडेंटिफाई बिकॉज देयर इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, किसी भी सॉलिड का बनना, प्रेसिपिटेशन मींस इनसॉल्युबल सॉलिड। जब कभी भी कोई भी लिक्विड इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर हम लेते हैं PbNO3 जो कि कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बैलेंस करना हम जानते ही है कैसे, लीड नाइट्रेट PbNO3, यहां कितना है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन यहां 2 है, यहां कितना है 1,
के वन एन ओ थ्री का होल ट्वाइस, यहां पर भी टू, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस। तो ये जो बना वो बना येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की केमिकल रिएक्शन हो गई। तीसरा है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर मतलब कोई भी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस में मिलाया जाता है और उसका कलर चेंज हो जाए, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे अगर हम साइट्रिक एसिड को, साइट्रिक एसिड C6H8O7 पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाएं जिसका कलर होता है बेटा पर्पल, तो नींबू पानी को अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाएं तो उसका कलर हो जाता है बेटा कलरलेस। तो ये हो गया बेटा चेंज इन कलर। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में क्या होता है, कोई भी जैसे कैंडल है, कैंडल जलाते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है H2O एंड एवोपरेट होकर गैस में निकलता है, और गैस कौन सी होती है CO2। तो वो कैंडल सॉलिड गैस में भी टर्न हो गया, चेंज हो गया, और वाटर में भी चेंज हो रहा है, तो उसकी अवस्था जो है वो सॉलिड से लिक्विड जा रही है, लिक्विड से गैस भी हो रही है, तो वो क्या हो गया बेटा चेंज इन स्टेट, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है जो है चेंज इन टेम्परेचर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है, इसकी बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है बेटा वो दो तरीके से बढ़ता है और घटता है, कैसे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो दो तरीके से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी। ये किसका साइन है, हीट एनर्जी रिलीज होने का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और बीकर क्या हो जाता है बेटा, गर्म। अगर इसको टच करोगे बीकर बिकम हॉट, ये बीकर जो है ना वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो यूज एनर्जी, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO, ये हो गया बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स और रिएक्शंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, जैसे अगर हम कोई भी मीथेन को जलाते हैं या फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन करते हैं तब भी हम CO2 और H2O को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो भी वो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और एंडोथर्मिक के जैसे बात करें तो डाइजेशन है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस है जो एंडोथर्मिक का रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो भी वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इनके बारे में और डिटेल में अच्छे तरीके से आगे वाली वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कि गैस निकले तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर बढ़े तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की होती है, कितने तरह से केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी चीज कंबाइंड हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाए तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे CaCO3 हीट कर दो CaO प्लस CO2,
जो टूट जाए, यहाँ जुड़ रहे थे ना, यहाँ टूट जाए, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बेटा हीट थी थर्मल, एक लाइट की प्रेजेंस में भी होती है सनलाइट, और एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, और सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में होती है AgCl, Ag प्लस Cl2, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस इस तरीके से हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रेजेंस में होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के रूप में वो गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये तो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसका एक भी एग्जाम्पल काफी है ऐसे, ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कोई भी चीज डिस्प्लेस हो जाए, जैसे कोई खिलाड़ी होता है चोट लग जाती है उसको, तो वो क्या हो जाता है पवेलियन में आ जाता है, पवेलियन से एक खिलाड़ी उसके बदले में फील्डिंग करने ग्राउंड में आ जाता है, उसी तरीके से यहां होता है। जैसे Fe प्लस CuSO4, अब यहां आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर से सल्फेट को ले लेगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। कलर की बात करें तो आयरन का कलर होता है ग्रे, कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, इसका कलर होता है ग्रीन और इसका कलर होता है रेड ब्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां SO4 सल्फेट था वो कॉपर के साथ था, तो यहां सल्फेट क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया और किसके पास पहुंच गया आयरन के पास, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद ये अभी एक बार डिस्प्लेस हुआ है, SO4 कहां गया है Fe के पास, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है डबल, तो उसको क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल था उसी को यूज कर लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki PbI2 प्लस 2KNO3, ठीक है। लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, तो इसमें क्या होगा आयोडीन गया लीड के पास और नाइट्रेट गया पोटेशियम के पास, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहां भी, तो कितना टोटल कितनी बार हुआ डिस्प्लेसमेंट 2 बार, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट है रेडॉक्स, जिसको अच्छे से पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं रेडॉक्स, ठीक है। इसके लिए हमने आगे पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे कि वो क्या रेडॉक्स होता है, क्या इसके बारे में होता है अच्छे से, ठीक। रेडॉक्स ये लास्ट टाइप है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रेडॉक्स जो बना है वो REDD रिडक्शन OH ऑक्सीडेशन, तो समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन में कब होता है, जब कभी भी ऑक्सीजन एड हो रही हो, क्या हो रही हो ऑक्सीजन एड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन किसी भी सबस्टेंस से हट रहा है तो वहां क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरीके से रिडक्शन का भी यही है कि रिडक्शन कब होगा, जब एड क्या हो रहा हो, इसका उल्टा है, यहां एड क्या हो रहा है ऑक्सीजन, यहां एड हो रहा होगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहां रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में, तो यहां कौन रिमूव हो रहा होगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। और जब ये दोनों ही हो रहे हो, हाइड्रोजन एड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हो, तो उसको कहेंगे रेडॉक्स, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे CuO प्लस सल्फर Cu प्लस SO2, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है तो ये 2 हो गया, कार्बन ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ यहां ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ यहां पर बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन था या ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां ऑक्सीजन हट गया, तो इसको कहेंगे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, क्या कहेंगे बेटा रिडक्शन। और यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अब यहां ऑक्सीजन आ गया, तो यहां पर क्या हुआ है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये इस पूरे को क्या कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
कुछ टर्म्स और होते हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और भी दूसरा नाम देते हैं, जैसे सबस्टेंस रिड्यूस्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट को एक और दूसरा नाम देते हैं, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को, प्रोवाइड ऑक्सीजन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, या सबस्टेंस ऑक्सीडाइज किसको कहेंगे, जिस सबस्टेंस पर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो कह सकते हैं सबस्टेंस ऑन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ठीक, तो ये बताओ ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है इस पूरी रिएक्शन में, और जो भी रिएक्शन होती है वो केवल और केवल किस साइड होती है, केवल रिएक्टेंट साइड। किस साइड होती है, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं होता। जैसे अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं, तो जैसे हमें मान लो हमने शरबत बनाना है, तो पानी और चीनी दोनों को घोलते हैं, तो रिएक्शन पानी और चीनी के बीच में होती है, ना कि शरबत के बीच में। तो प्रोडक्ट के बीच में कुछ नहीं होता, जो भी रिएक्शन होती है वो किसमें होती है, रिएक्टेंट साइड में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होंगे वो किसमें होंगे, केवल और केवल प्रोडक्ट साइड में। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कौन करा रहा है, CuO, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO, और सबस्टेंस रिड्यूस भी कौन है, CuO। ठीक है, और जिस सबस्टेंस पर ऑक्सीजन ऐड होती है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहां पर दिख रहा है कि सल्फर पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये कौन होगा, जिस सबस्टेंस पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर सल्फर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और सबस्टेंस ऑक्सीडाइज। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बनता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐड हो रही हो ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोजन हट रहा हो तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन कब है, जब ऐड हाइड्रोजन हो रहा हो और ऑक्सीजन हट रहा हो। एक एग्जाम्पल लिया हमने जिसमें CuO प्लस है CuSO2, जिसमें ऑक्सीजन हट रहा था तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो हट रहा था तो रिडक्शन हो गया, ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें ये भी देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन CuO। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ये सबस्टेंस ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिस पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ऑक्सीजन किस पर ऐड हो रही है, सल्फर पर। ठीक है, इतना ही बेसिक आता है, ज्यादा टेंशन नहीं आता है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, रैंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी क्या होता है, तो रैंसिडिटी जो है वो है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जब कभी भी टेस्ट चेंज होता है और स्मेल चेंज होती है फूड की, तो ऑक्सीडेशन के कारण उसको कहते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिवेंशन भी है, बचाव प्रिवेंशन। तो पहला है, आप जब ऑक्सीडेशन की वजह से खाना खराब होता है तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, यूज एंटीऑक्सीडेंट। दो हैं, BHA और BST, क्या नाम है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टेनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देते हैं, खाने को खराब नहीं होने देते। सेकंड है, यूज इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो,
या कूल प्लेस पर रख सकते हो ठंडी जगह में, या कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट कीप अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, या फिल नाइट्रोजन इन फूड पैकेजिंग आइटम्स, तो दिस इज द रेंसिडिटी। ओके, अब हम बात करेंगे कॉरोजन की। कॉरोजन क्या होता है? कॉरोजन, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ दिस कॉरोजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ईटन अप ऑफ मेटल, मेटल बाय द एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ एयर, वॉटर एंड अदर केमिकल्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? कॉरोजन। इसको क्या कहते हैं बेटा? कॉरोजन। अगर हम आयरन के केस में कहें तो इसको क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहेंगे? रस्टिंग। जंग जो लग जाती है रेड ब्राउन कलर की आयरन के ऊपर, उसको कहते हैं रस्टिंग। लेकिन दूसरे मेटल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड? कॉरोजन। एक रिएक्शन है किस तरीके से आयरन पर जंग लगती है, मैंने बताया आपको, एयर और वाटर, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। अगर इसमें से अगर एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन में देते हैं आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। वाटर के हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए एक्स, पता नहीं है कितने भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड XH2O, ठीक है। मैंने आपको बताया था बैलेंस में कि इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं सबको, जो ऑड नंबर होता है उसको क्या करना पड़ता है? इवन। तो ये 3 ऑड है, इसको क्या करेंगे? इवन। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ भी 6 कर दिया। आयरन कितने हो गए? 4 कर दिया, ठीक है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल XH2O में कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया? 2। तो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है बेटा, जो कॉरोजन से बचने के लिए रस्टिंग ना हो उससे क्या है, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोब्लेटिंग कर सकते हैं सतह चढ़ाकर, ठीक है। इसके अलावा हम एलॉइंग बाय मेकिंग एलॉय, किसी भी चीज को एलॉय बना सकते हैं। जैसे आयरन हो है और जंग लगता है तो उसको क्या बनाते हैं? स्टील, कार्बन मिला के, उस पर जंग नहीं लगेगी। दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर फर्स्ट। दिस इज चैप्टर फर्स्ट।